गुड मार्क्स इन बोर्ड्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स. Do you think this is your time? अकाउंट्स के साथ दिक्कत क्या है? पढ़ते इतना है, उसके बाद भी बनता नहीं है. इकोनॉमिक्स के साथ दिक्कत क्या है? क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आता और स्कोरिंग कभी हो नहीं पाती है. बिजनेस स्टडीज में तो हम ज्ञानी हैं, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. एंड टाइम पे एक दिन पहले पढ़ेंगे और मार्क्स आ जाएंगे. यार तुम लोग यार मोटिवेशनल टोन मत चलाओ, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको जरूरत नहीं है. हैपनिंग टोन रखो, भाग जाएंगे. हाँ तो जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, क्या कैसे पढ़े, आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करना जरूरी है. देखो हमने जो शुरुआत की है, हमने जो एक इनिशिएटिव लिया है यूट्यूब के थ्रू, वो सिर्फ यही है कि आखिर कॉमर्स के बच्चों के लिए किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू वो क्वेश्चंस कराए जाएं कि बच्चा हर एक चीज को ग्रास्प कर ले. तो पहली चीज आती है कंसेप्चुअल नॉलेज. हाँ हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, हम क्वेश्चन सारे कर लेते हैं लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बनाते. तो पहली चीज कंसेप्ट बनाओ. हाँ मैं बहुत बोरिंग चीज बोल रहा हूँ लेकिन इसी चीज पे हमारे पूरे वीडियोस बेस्ड होते हैं. मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं लॉजिक बता रहा हूँ. मैं नहीं कह रहा कि मेरे पेज पे आओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ और मेरे ही वीडियोस देखो. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जहाँ पढ़ो कंसेप्चुअली पढ़ो. दूसरी चीज आती है कि हमारी राइटिंग हैबिट नहीं होती है. मत करो, मैं कहता भी नहीं हूँ कि करो, लेकिन जब एंड के 2-3 महीने बचे हुए तो कुछ मत करो, सिर्फ लिखने की हैबिट डालो. पहली चीज यूज ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, जरूरी है. दूसरी चीज कॉमर्स वाले हैं हम, भीख मांग के पेन से काम चलाते हैं, तो वो काम बंद करो और अपना खुद का एक पेन, एक साथी बना लो जिसको आप बोर्ड एग्जाम्स तक लेके जाने वाले हो. बहुत अजीब अजीब सी बातें करूंगा मैं यहाँ पे और सुनना भी पड़ेगा अगर चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना. पेंसिल का यूज तो हमने करना सीखा ही नहीं है और कई लोग तो इतने इतने महान होते हैं कि वो फोन रख के लाइनें खींचते हैं. तो कोशिश करो कि स्केल, पेंसिल, रबर कटर, ये बेसिक चीजें तो तुम्हारे हाथ में हो. तो क्या क्या और होना जरूरी है, तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है वो पता करना जरूरी है ना. तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक पेन आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी आज से आदत डाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर छूटे. एंड बिलीव मी छूटता है. दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखो कि वर्किंग नोट पे कभी वर्कआउट मत करो. वर्किंग नोट जितना छोटा होगा तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं होते. हाँ नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 4 पेज का बना दोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. और जो लोग 2017 में भी शेयर्स के लिए एनालिसिस टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद और क्या कर सकते हो. कोशिश करो कि जब भी पढ़ने बैठो तो थ्योरेटिकल पोर्शन को, फिर से वही बोलूंगा, लॉजिकली समझो. बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, जब तक कंसेप्ट्स नहीं आते तब तक चीजों को मत पढ़ो. मुझे आज भी मालूम है कि काफी लोगों में ये कंफ्यूजन होगा कि यार पीपीसी कर के अंदर गन्स और बटर क्यों होता है. कोई वर्ल्ड वॉर टू को नहीं जाएगा, कोई सोचेगा नहीं कि ये कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे आया था, कि जब गन्स वाली इंडस्ट्रीज जो थी वो कंज्यूमर गुड्स में, मतलब बटर की तरफ शिफ्ट हो रही थी. एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने. ये लॉजिक किसी ने नहीं सिखाया ना आपने सीखा, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम. यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो दिस इज एन इंटरेक्शन सेशन, तो मैं तो उसमें हर चीज डिस्कस करूंगा जो तुम लोगों के लिए फायदेमंद है. अब आते हैं एक और चीज पे जो कि तुम लोग हमेशा फेस करते हो, कि आंसर्स बोर्ड्स में कैसे लिखने हैं. पॉइंट्स यानी हेडिंग्स और उसका एक्सप्लेनेशन, 4 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए. 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिखो, हर एक पॉइंट की 4 लाइन लिखो. चार्ट्स बनाना सीखो, गुड्डे गुड़िया बनाना सीखो. कम्युनिकेशन है, 2 लोगों को बिठा दो, बीच में टेबल रख दो, कम्युनिकेशन हो गया. भैया कुछ भी करो, अपने आंसर्स को इतना प्रेजेंटेबल बनाओ कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए. कलाकारी करो, ड्राइंग दिखाओ ना, किसने मना किया. अकाउंट्स के साथ दिक्कत क्या है, तुम लोग करते हो 100 क्वेश्चन, मत करो ना यार. मैं भी आज के टाइम पे जो तुम लोग के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं उसमें क्या चीज ध्यान रख रहा हूं, कि कुछ ऐसे 4, 5, 6 क्वेश्चन उठाऊं जिसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए. क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. आज के टाइम में लेबोरियस होना जरूरी नहीं है. आज के टाइम में जो चीज जरूरी है ना वो ये है कि स्मार्ट स्टडीज क्या होता है. मैं पता है मेरे साथ क्या अच्छी बात है, मैं टीचर होने से पहले एक स्टूडेंट हूं और इसलिए मैं स्टूडेंट की तरह सोचता हूं और मुझे मालूम है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है. और वही चीज मैं तुम्हें बताता हूं. जब मैं क्वेश्चंस उठाता हूं ना बुक से कि यार मुझे ये क्वेश्चंस कराने हैं, तो मेरा पहला थॉट पता है क्या होता है, कि मैं होता तो मैं कितना पढ़ता. बिकॉज आई एम अ पैशनेट टीचर, आई नो हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस उठा के बताता हूं. एंड बिलीव मी मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है तुम लोगों तक कंटेंट पहुंचाने का, और मैं चाहता हूं कि मैं 101% कंटेंट पहुंचाऊं बिना कुछ चार्ज किए, बिना कुछ लिए. इसलिए बोलता हूं बार बार कि मैं नहीं कह रहा सारे वीडियोस देखो, एक में ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा कि कंसेप्चुअल नॉलेज होती क्या है. ये अकाउंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, इको के लिए, तीनों के लिए जरूरी है. लेक्चर बढ़ाऊंगा नहीं, खत्म करने पे आऊंगा. तो लास्ट के कुछ पॉइंट्स क्या याद रखने हैं. पहली चीज, अपना खुद का पेन होना चाहिए. ये 2 रुपए 5 रुपए वाले पेन जो यूज करते हो ना तुम लोग, बंद कर दो.
हाथों पे इतना प्रेशर आता है ना कि तुम बोर्ड में पूरा पेपर ही नहीं लिख पाओगे। जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा नीचे करो, एक बढ़िया पेन खरीदो जिससे स्मूथली लिख सको। दूसरी चीज, कभी भी अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। एक घंटे से ऊपर की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जब मैं बनाता हूँ वीडियोस तो मैं भी ध्यान रखता हूँ कि तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कैपेसिटी किस लेवल तक है और मैं उसी लेवल से वीडियोस बनाता हूँ। तो कोशिश करो अपने आप को प्रिसाइज रखने की, मत रखो अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन यार। लास्ट चीज, बोर्ड में परसेंट के हिसाब से पढ़ाई मत करो, ये ध्यान रख के करो कि तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो मत बढ़ो आगे, कोई जरूरत नहीं है, स्टिक टू द चैप्टर। अगर इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की बात करूं तो पता है दिक्कत क्या है, तुम लोग है ना घंटों घंटों इस चीज में निकाल देते हो और मेरे ख्याल से शायद ये रेस बन चुकी है कि मेरे हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और तुम लोग ये चीज भूल जाते हो कि यार तुम्हारा तो बेस ही नहीं बना, तुम हर क्वेश्चन पे तो स्ट्रगल कर रहे हो। जब हर क्वेश्चन पे स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम 50 की जगह 100 की जगह 1000 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे आंसर्स नहीं आएंगे। अकाउंट्स में 3 महीने बचे प्रॉपरली तो अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना चालू कर दो, और अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं बना सकते हो तो आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। तो ये चीज सीख लो, 5 घंटे लगाओ कॉन्सेप्ट्स में, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर लोगे, मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं एक बात सरकास्टिकली बता रहा हूँ कि टाइम अगर अच्छा दोगे कॉन्सेप्ट्स में तो आई बेट आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स पे मेहनत करो, सोचो कि ग्राफ्स में आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या लगता है। बिजनेस स्टडीज में ट्राई टू रिलेट विद द नॉर्मल वर्ल्ड कि यार ये बिजनेस की एप्लीकेबिलिटी कैसी है। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा आपसे इसी तरह से इंटरेक्ट करने की, और आगे भी कुछ ऐसे वीडियोस मैं लेके जरूर आऊंगा अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और मुझे वो चीज कमेंट्स में मिलती है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें भी लेके आऊंगा जिससे बताऊं दैट हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स। तब तक के लिए आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।